पहले मना किया गया कि ये आप दुरूद सलाम भेजना बंद करें। मैंने भी उसको बोला कि आप मिर्ज़ा साहब कहें, ठीक है। अगर वो जी देखें, ये मजहबी जज्बात होते हैं। हाँ एक जी बंदा हम जिसको कजाब मानते हैं, उसको वो अगर उस पर दुरूद भेज रहा है, सलाम भेज रहा है, तो फिर वो हर बंदे की बर्दाश्त होती है ना, वो आलम दीन है, मुकाम राजा है। भाई, आपका तो सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है। आप अगर शुरू में उनको कहें कि आज की डिबेट जो इसका टॉपिक ये है और हमारा कम से कम गुफ्तगू का मियार ये है कि हम ये अल्फाज यूज़ करेंगे, हमारी तरफ से ये होंगे जब इस चीज़ का जिक्र आएगा जो ख़ास तौर पे बातें होती हैं, और आपकी तरफ से ये होंगे, और एक दूसरे की ज़ातियात पे कोई बंदा बात नहीं करेगा, तंजिया फिक्रे नहीं कसेगा, इल्मी नहीं नहीं अदबी नहीं हम बात आगे बढ़ाएंगे, तो ये मेरा ख्याल एक है कि इतना खैर एक्सेप्टेंस के बाद हो सकती है। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये जितनी बार मर्जी आप बात करें, जिस वक्त ऊपर ऐसा माहौल बन जाता है ना, ये उस वक्त उसको कंट्रोल करना, देखें आमिर नज़ीर साहब भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था उनके लिए भी। तो बात यह है कि अमर भाई की नरमी है ना, हम अगर स्ट्राइक कर थोड़ी सी सकते हैं। सख्ती करें तो फिर नहीं हो जाता। जी फिर जी तो आप नहीं नहीं उठा के नीचे फेंकें, जो देखें, आपकी ठीक है आपकी बात बात, ना मगर सुने, जो मॉडरेटर की बात ना सुने, आप भूल जाएं कि वो बंदा आपका के उनका है, सीधा नीचे फेंको जी। ये तरीका है डिबेट कराने का। नहीं इसलिए नहीं इसीलिए ये इस काम के लिए देखें, जिस वक्त मॉडरेशन कर रहे हैं अमर नज़ीर साहब, तो उस वक्त अभी इधर है ना, अगर इधर कोई बात हो हम बात करवाएं तो आसान है हमारे लिए, हाँ मगर जी अगर ज़िया भाई आ जाएं या अमर नज़ीर साहब आ जाएं, तो फिर हम उनको इग्नोर करके तो नहीं ना कोई फैसला करते। नहीं, बात मैं ये ये नहीं है, कहता राजा भाई कि इग्नोर कर दें। जब अगर जो बंदा मॉडरेटर है तो उसके हाथ में फिर तराजू है, आप सिविल सर्विसेज के बंदे हैं, फिर आप अपने बंदे को भी इक्वली ट्रीट करेंगे, ये बात होती है मॉडरेटर नहीं की, ये बिल्कुल ठीक, जिम्मेदारी। जी जी बिल्कुल ठीक, तो हम हाँ, करेंगे फिर आप ट्राई तो भूल ऐसे जाएं, ही। आप जाती तौर पे देखें जाके बार बार एक उनको, दिन जी किसी जगह पे मैं पप्पू भाई को उतार दिया, तो मैंने बाद में उससे माजरत कर ली, मैंने कहा नहीं भाई ये तो इक्वली बात होनी है, इधर तो जो है ना सबके साथ जो है बाद में बंदा कर ले जी एक्सक्यूज, अपने बंदों को समझना चाहिए ना कि असूल से बात करनी है, सबने एक दूसरे के साथ प्रॉपर टाइम देना। नहीं देखें, अगर आप असूल से या किसी कायदे के तहत बात नहीं करवाएंगे, तो फिर वो लोग हमें फेयर नहीं ना समझेंगे, मुझे जब फेयर पता नहीं नहीं है, समझेंगे तो उनसे हमारे साथ आपको बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अब जो है ना ये ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया गालियों वाला, जो कि अच्छी तरफ बात बढ़ रही है। मैं जिस दिन का अपने तौर पे मैं टैक्स सर्विस पे बैठ जाता हूँ आके, डजंट मैटर के बंदा किस तरह से नीचे लगा रहता है कुछ ना कुछ जो है, तो लगता है कि कुछ ट्रेंड इस तरह का है कि अब उधर से भी लोग बात करते हैं कि भैया गाली गलौज बंद होनी चाहिए, आराम सुकून से बात होनी चाहिए। तो मुझे तवक्को तो लग रही है कि मामला जो इस तरफ जाएंगे कि एक गुफ्तगू का माहौल बन जाएगा। आगे आप देखते हैं कि अब क्या होता। नहीं देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। भाई नहीं, साहब वो जो बाबर बात भाई भी करते हैं आए ना ने, कि बाबर गाली भाई को, शायद जी गल कर दी, बाबर भाई भी आए ने। मिनट, असल में उनके पास जवाब नहीं है। जी पीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? जी ठीक ठाक, अस्सलाम मैं वालेकुम कहीं पीर रोड में रखा, मैं गिर गया। मैं अवे था काफ़ी टाइम कनेक्ट पे, ये वो। साहब, आप थोड़ी देर के बाद एक चक्कर लगाया करें ब्रॉड के पास, घूम के जाया करें, फिर वो ड्रॉप नहीं होती करें, फिर वो ड्रॉप नहीं होती। बस यही गलती हो गई, अभी मैं आया हमें हूँ डर लगता है देखा। कि कोई रिपोर्टिंग ना हुई हो, कोई पता नहीं होता। नहीं, अगर रिपोर्टिंग होती तो मैं ऑनलाइन नहीं आ पाता था ना। अच्छा मैं देखो आ गया हूँ, देख ले, पैनल चलें, जजाकल्लाह पैनल खैर पे पीर भी आ गया साहब। हूँ, तो मुझे यही लगा, अच्छा मैंने देखा क्या है, सारा कुछ भी नहीं है, तो समझ में आ गया कि ब्रॉड गिर गई है। जी अब जी आप आ गए और हैं, अब फिर हम जाने लगे हैं जी। कहाँ जाएंगे?
हम नीचे बैठ के सुनेंगे ना आपको, उलमा के पास बैठ के जरा। ये बात तो ओ ठीक मुगल नहीं है भाई, ना। मैं को ला लो मुझे, बराबर बराबर देखिए बराबर मैं भी तो बैठता हूँ ना। आप तो राजा साहब सीनियर हैं बहुत, हम तो भी आपके लिहाज से कुछ नहीं 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 है। नहीं नहीं इलम के लिहाज से आप ज्यादा सीनियर हैं। अच्छा क्या हो गई थी बात, कुछ हो गई थी जी, अच्छी बात खासी? काफी काफी देर हो गई थी। वो हार्ड स्टोन वो तो नीचे चला गया, वो तो आया ही नहीं। ये समझ लें कि मुकदमा पेश किया हमारे मुफ्ती साहब ने, और उसका इब्तदाइया अभी खुल रहा था कि प्लॉट ड्रॉप हो गया, क्योंकि राजा साहब जी ऐसे ही हैं। जी बिल्कुल, ये तो गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। मगर मगर काफी लोग उधर इकट्ठे हो गए थे, नली 90 को चले वी हैड 90 पीपल ऑलमोस्ट यू नो, जी लेकिन अनफॉर्चूनेटली ड्रॉप ऑल ऑफ अ सडन। चलें फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो खोल लेंगे। फॉर श्योर। मैंने सोचा शायद कोई गड़बड़ हो गई, सलाम मैंने अलैकुम बंद कर जी दिया। साहब। नहीं नहीं कुड़ू कुड़ू नहीं कुड़ू, वालेकुम सलाम सलाम रहमतुल्लाह। कई अच्छा बार कुड़ू रात को कुड़ू भाई ऐसा ही होता है पीर साहब। जी जी पीर जी, साहब रात को क्या हुआ? कई बार ऐसा ही होता है जैसे आज हुआ। हाँ वो जी, गिर गया। हाँ तो जारी बात है, काफी टाइम तक मेरे ख्याल में अगर जो ट्रैक्टर है वो ब्रोड पे ना रहे ट्रैक्टर तो ना वो बंद हो ना, जाए। रेडिएटर है, रेडिएटर पीर साहब। नहीं रेडिएटर तो बहुत होते हैं ना, साइकिल ये वो बहुत होते नहीं हैं, लेकिन ट्रैक्टर खुद जो जनरेटर है बहुत गायब होते है। हैं, जनरेटर बहुत हाँ होते हैं जी सर, हाँ जनरेटर बहुत। लेकिन असल में वो ट्रैक्टर की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। लेकिन तो मेरे ब्रोड ख्याल को में कैसे काफ़ी पता चलता है कि ट्रैक्टर इधर नहीं है? ट्रैक्टर के बगैर ट्रालियां गिर जाती हैं। नहीं, मेरे ख्याल में पीर साहब वो 90 बंदा हो गया था ना, तो मेरे ख्याल में वो ब्रेड के ऊपर वजन ज्यादा था इसलिए गिर गई। बहुत ज्यादा। हाँ ये बात है, हाँ ये बात ठीक है, ये बात मुमकिन है। बहरहाल मोहतरम ये उनकी पॉलिसी है, तो अगर काफ़ी टाइम तक गायब हो जो मुज़ईफ है, इंग्लिश में आप लोग जनरेटर कहते हैं, जिस तरह अहमद अली साहब हैं, ये कम से कम मेरे ख्याल में घंटा तो दे देते हैं कम से कम। नहीं कई बार तो बहुत देर दे देते हैं, ये पता नहीं क्या चक्कर हो जाता है। वो भूल जाते हैं कभी कभी। ये संडे को देखते नहीं पीर साहब, मैं खुद मोबाइल घर रख के खुद चला जाता हूँ बाहर, तो अमर भाई को आपसे लाती है संडे वाले दिन अक्सर मैं पूरा ऐसे दिन करता हूँ, पूरा दिन पूरा दिन मैं चला जाता हूँ ना, मैं घर तो ये खुद रख देता हूँ तो माई को, तो खुद चला ये जाता हूँ। मेरे मेरे क्यों बंद होती है फिर? रिपोर्टिंग हो जाती है ना, रिपोर्टिंग हो ना तो फिर इस तरह हो जाता है रिपोर्टिंग। हाँ, मुमकिन है। कोई तो नहीं, ये देखिए बोलो। साला मैं तो बाहर जाता हूँ तो दूसरी आईडी से आता हूँ, नीचे लिखता रहता हूँ कॉल भी कोई उठाता भी नहीं है, फिर व्हाट्सएप पे कॉल करनी पड़ती है मुझे। नहीं मुसलमान भाई होते हैं ना अहमद अली भाई? नहीं पीर साहब मिक्स होते हैं ये, कोई भी अगर देख लेते हैं अच्छा कौन कौन बैठा है, जरूरी नहीं कि मुसलमान है। ये बाबर भाई आपकी आईडी है? बाबर भाई आवाज आ रही है बंदे? बाबर भाई आपकी आईडी है? भजन आ भाई आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है, माइक के अस्सलाम पास आए। वालेकुम सलाम। पता नहीं क्या कह रहे हैं बाबर भाई आप। हाँ आ रही है लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्ब है। बहुत कम आ रही है भाई, माइक के पास आए। इतनी साफ नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मुर्तजा भाई, खैरियत है? जी पीर साहब खैरियत से हैं, सब खैर की अहमद अली भाई सारे दीगर भाई ठीक हैं। जी जी बाबर भाई बोलें, क्या बोलना चाहते हैं भाईजान? भाईजान ओ मेरे भाई, नहीं अगर आपने कोई आवाज वायर बिल्कुल शेयर, नहीं आ रही। कोई वायर शेयर अगर लगाया हुआ है आपने, उनको निकाल के डायरेक्ट बात कीजिए, हैंड फ्री साहब मुझे समझ आ गई है, वो कह रहे हैं।
मुझे समझ राय आ साहब गया, वो कह रहे हैं पीर सारे साहब भाई कह रहे जरा हैं कि म्यूट आपने करें। कादियानी मॉडरेटर बनाए हैं, आपके जनरेटर कादियानी है, हाँ तो हाँ इंसाफ हाँ नहीं करते ब्रॉड पे, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं ये हक पर मबनी बात नहीं है, नाजायज बात है। मैं तो इस तरह की बातों को मानता नहीं लेकिन उनका हूँ। शिकवा यही है, आते हैं वापस तो फिर नहीं ये बताते हैं और खामखा क्या। एक शिकवा है ना, ये शिकवा मुर्तजा भाई को भी है, मेरे बड़े हैं, लेकिन मैं इनकी बात नहीं मानता। मैं जानता हूँ गलत कह रहे हैं ना, वो जिद अनाद है ना। मुर्तजा भाई का तो ये काम है कि हर ब्रॉड पे जाके समझाना है, कोई ना कोई अच्छी नसीहत करके आना है। नहीं तो नहीं कुछ भी नहीं देखें, बात सुने, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। तो आप कल्याणी कह रहे हैं, स्टॉक मास्टर हैं जिनको पीर साहब ने मॉडरेटर बनाया हुआ है, वो पीर साहब के साथ पानी का नल थोड़ा सा खोल दिया, ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा पानी जाया होगा। पौधों को पानी दे रहे हैं पीर साहब। जी जी बहुत शुक्रिया जी राय साहब। मैंने पीर साहब का माइक म्यूट किया कि बहुत शोर आ रहा था फीट की पीर साहब की तरफ से। तो मैं ये कह रहा था कि वो एक वाहिद आदमी है कि जिसको बनाया पीर साहब के, एक तो वो दोस्त हैं, दूसरी बात ये है कि वो पीर साहब कसरत से उनको देते हैं दावत। आज भी यही बात हुई है उनके साथ पीर साहब की के आप कादियानी छोड़कर इस्लाम की तरफ आ जाए। देखें कोई बात होती है, कई बातों में हिकमत होती है, कई बातों में मसलत होती है, हमें समझनी पड़ेगी बातें। उसके बाद मतलब है कि सिर्फ एक बात लेकर उसको गलत कह देना बगैर उसका बैकग्राउंड चेक किए, मेरे ख्याल में ये भी पीर साहब के साथ जाती। जी जी दुरुस्त है अपना राय साहब, मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ। बहुत सारी मसलहतें होती हैं, बदगुमानी अपना सबसे पहले तो अल्लाह ताला सैयद जी बाबर मेहर भाई को, बड़े प्यारे भाई हैं और बड़ी खिदमत है इनकी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो दूसरा ये है कि बहुत से भाइयों को मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से भाइयों की बहुत सी बदगुमानियाँ हैं, और अक्सर बदगुमानी जो है वो गलत फहमियाँ ही होती हैं, और बहुत सारी गलत फहमियाँ झूठ पर मबनी होती हैं, और झूठ आपको ज़ाहिर है एक खाम खा की मुखालफत की तरफ लेके जाता है। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि डायरेक्ट पूछ लिया अपना राय साहब, एक मिनट दिया, डायरेक्ट उन्होंने पीर साहब से पूछ लिया, असल में उनकी आवाज़ ठीक नहीं थी। जी कीजिए बात जी। जी सॉरी, मैंने ये इतना ही कह रहा था, ये अरीशा है कोई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? जी आपकी दुआ। किस टॉपिक पे बात हो रही है यहाँ पर? रद्दे कादियानियत पर। किस पर? रद्दे कादियानियत मर्ज़ियत। तो यहाँ पे सारे कादियानी हैं? नहीं, यहाँ पर सारे मुसलमान हैं। नहीं, आपने जैसे कहा ना कादियानियत पर हो रही है बात। जी रद्दे कादियानियत शायद आपने वो नहीं अर्थ समझे। हाँ इसका क्या मतलब? कादियानियत का रद्द, रिजेक्शन ऑफ कादियानिज्म अगर आप इंग्लिश में। ओके ओके जी। तो आपका कौन सी कम्युनिटी से तल्लक है? जी आपका तल्लक कौन सी कम्युनिटी से है? सो विच कम्युनिटी डू यू बिलोंग टू? जी वो चले गए। लें जी मोमो चौधरी। अच्छा वो भी चली गई। अच्छा वो उनका उनका वो बात किए बगैर चले गए। जी मोमो आपको तो हम इधर देखते रहते हैं, आप हमारी कम्युनिटी से हैं, आपको तो हम जानते हैं। अच्छा भाई बात करने की इजाज़त दे दिए दो चार घंटों। दो चार घंटे ठीक करें फिर साहब।
फिर सब आप वन मैन शो तो नहीं करना चाहते? अपना राय साहब और मुर्तजा भाई जो सबसे ऊपर बैठे हैं मेरे साथ, जी कौन? ये तनवीर साहब हैं, ये अपने ही भाई हैं, मोहम्मद तनवीर, पाकिस्तान लाहौर कश्मीर इंडिया बलूचिस्तान से हैं। तो बात चल रही थी अपने बचपने की वजह से, मैं उस बात को भूलना नहीं चाहता। वो ये है कि भाई ये जो कहा जाता है ना कि कादियानी है वहाँ पर बरोड पे, आपके आपने उनको ताकत दी हुई है, अपना वो जनरेटर बनाया हुआ है, वो शिकायतें करते हैं, वो ज्यादतियाँ करते हैं, ये बात गलत है। मैंने इस बात का जवाब दे दिया पी साहब। अच्छा, मैं ज्यादा इस पर बात, हाँ ये बात गलत है, इस पर बात ना करें तो बेहतर। जी जी, ये बात ठीक नहीं है। आप शायद बिजी थे जी, तो मैंने इस बात का जवाब दे दिया। सब ने मतलब सब अपना माइक एक मिनट म्यूट कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमारे जो भाई है ना आसपास, जो इससे अलावा कोई बात करें तो ठीक है। हाँ, मैं इसके अलावा बात कर रहा हूँ। सारा जो है वो किरदार है, ये जो ब्रोडों को शिकायत करना, ये करना, वो करना, मुर्तजा भाई की सरपरस्ती में की जा रही है, और इसलिए लोग शिकायत करते हैं। बड़े जी सरपरस्ती में किया जा रहा है? नहीं नहीं अहमद नजीर साहब, चूंकि वो मेरे हम मसलक हैं, अलहदी से उनकी बुराई मुझे नज़र नहीं आती, अंधा हो जाता हूँ। ये भाई वो मौजूद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पीर साहब अमर भाई के मुकल्लद हैं, इसलिए तो बात ये, मैं तो भाईजान बात सुनिए, बात यह है कि इनकी सरपरस्ती में, मुर्तजा भाई की सरपरस्ती में, हमारे सबके बड़े हैं ये, इनकी सरपरस्ती में एक जो एक टीम उनकी तश्कील की गई है, आपस में ये बैठ के अलग से इनका एक ब्रोड है, ब्रोड के ना के ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर ये मशवरा करते हैं पहले जी, मशवरा करते हैं, फिर जो है वो पहल जाते हैं ग्रुपों में, तो वहाँ पर इस तरह की भाई पिलाने जगह पे ये बात होगी क्या किया जाए, कहते बस ठीक है वहाँ रिपोर्ट करो, सब जाके रिपोर्ट करो। अब ये सोचते नहीं खास कि ग्रुप हैं, हम सिर्फ उसमें हम ख्याल लोगों को लेते हैं, दीगर लोगों को हम लेते भी नहीं है उस ग्रुप में, नहीं लेते। तो इनके सरपरस्ती में ये काम हो रहा है, समझ रहे हैं मोहतरम राजा जावेद भाई? ये बात जो मैं कर रहा हूँ इसको न मानने की कोई वजह भी नहीं है आपके पास। खैर से अगर कोई वजह होती तो ठीक है, आप बात कर लेते, लेकिन वजह भी नहीं है, इसलिए इस बात को मानने के सिवा कोई और दो नहीं। मैं उस इसको मान, इसके मानने बगैर कोई दो और राय आप नहीं रख सकते भाई। जी जी नहीं, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ देखा, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप जो है आप बहुत ही समझदार और बेहतरीन इंसान हैं। मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। ये बाकी जो इनके कारकर्दगी है ना, मुर्तजा साहब हैं हमारे, अल्लामतुद्दहर फैसल साहब हैं, और यक्के दुक्के जो हमारे बाबर साहब हैं, उनकी ड्यूटी है सिर्फ रिकॉर्डिंग करो, ये तमाम चीज़ें। तो अच्छा, इनकी पुश्त पनाही पर जो है, अगर आप इनकी बात ना मानो, इनकी पुश्त पनाही पर जो है वो गेंडे और पता नहीं कौन कौन वो करते हैं। अच्छा, ये क्या आसकानी ने ऐसे ऐसे की तैसे, इधर लाओ, ये तस्वीर है आसकानी माँ की, ये आसकानी के बहन का, ये आसकानी के खानदान, कादियानी पिलाना और डिमका, पूरा दिन उस दिन जो है, अब इनके जो है वो जो रूह को एक तस्कीन मिलती है कि देखो आसकानी ने हमारी नहीं मानी ना, देखो कितनी गालियां हमने दे दी, गोया कि ये जीत गए, आज का दिन इनका वो सुकून से गुजरेगा, ये है वो बात। बाकी हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ये है कि अपना ही भाई हो गलत काम कर रहा है, कहते पहले तुम सीधा हो जाओ, सबसे पहले तुम सीधा हो जाओ, सबसे पहले तुम झूठ ना बोलो, सबसे पहले तुम ज्यादती मत करो भाई, शदीद इख्तलाफ रखो और वो काम करो जिसको वाकियतन दूसरा इंसान कहे कि हाँ ये सही काम कर रहा है, वाकियतन ये है सवाल, ये है वो बात जिससे वो लाजवाब हुए। खामखा भाई शिकायत हुआ था चार्जशीट, किसने शिकायत की थी भाई? वो जना के केस में उनका शिकायत हुआ था, रिपोर्ट हुआ था,
अच्छा बताइए जरा कहाँ है, यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में आपने कहा, बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो, लगता है तू खुद कादियानी है इसलिए ये कर रहा है, ये क्या है? तुम जो है अपने मुसलमान भाई को, अपने मुसलमान माशरे को दागदात कर रहे हो, जाहिल ऐसा मत करो। बहरहाल छोड़ देते हैं, आमिर नज़ीर साहब आगे कहते हैं ऐसी मत करें, नहीं करते भाई। आमिर नज़ीर साहब ब्रोड गिर गई थी शायद, मैं ज़्यादा कुछ अवे रहा, जब आया तो कुछ है भी नहीं, मैंने सोचा कुछ। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा ब्रोड की शिकायत हो गई हो, लेकिन जब चेक किया नहीं ब्रोड, ओके तो पता पड़ा नहीं, वो इनएक्टिविटी की वजह से गिर जाती है जब आप इनएक्टिव। जी 310 40 मिनट लग गए। हाँ मैं कह रहा था कि इनएक्टिविटी की वजह से ना जी ब्रॉड गिर जाती है, शायद आप सो गए थे या अवे थे मोबाइल से। नहीं मैं अवे था, खाने के पे गया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा। स्टेटस भी अवे का। अच्छा जो आप मोबाइल की स्क्रीन थी इनकी टाइमिंग, यानी कितने टाइम के बाद मोबाइल की जो स्क्रीन है ऑफ हो जाती है, कोई है उस पर टाइम वगैरह? नहीं है, नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है कोई टाइम, नॉर्मल तो अगर वो होती टिकटॉक नहीं, अगर आपने चेंज नहीं की हुई तो मोबाइल की जो फैक्ट्री सेटिंग होती है डिफॉल्ट सेटिंग, उसमें ये होता है कि 30 सेकंड या 15 सेकंड अगर टिकटॉक ऑन नहीं है तो कितने टाइम बाद आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है? कोई 30 सेकंड के बाद। हाँ तो मेरे ख्याल से ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खाने गए हैं, मोबाइल टेबल पर रख के गए हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए अगर मोबाइल की स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही। नहीं कभी होता क्या है, मेरे गैर मौजूदगी में उस पर फ़ोन आ जाता है, कुछ लोग होते हैं फिर फ़ोन करते ही रहते हैं, मैं तो हूँ नहीं क्यों उठाऊँ, समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिस्टर्ब आ जाता है, हो सकता है ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसको मैं उठाता नहीं, उसको छोड़ के मेरे पास एक और फ़ोन है, तो ये कुछ दोस्तों के पास इसका भी नंबर है तो वो फ़ोन करते हैं, असल हालांकि मैं इसको इतना यूज़ नहीं कर रहा, नंबर को इसलिए रखा हुआ है ये टिकटॉक के लिए, लेकिन कुछ अपने फैमिली मेंबर हैं उनके पास भी ये नंबर है तो कभी कभार कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं एक दफ़ा फ़ोन किया आपने नहीं उठाया, उसी टाइम फिर कर लेता है, नहीं उठाया फिर कर लेता है, बस करता भाई उसने नहीं उठाया उसको छोड़ दो और आगे से है भी कुछ नहीं। जी फिर साहब मैंने देखा आप काफ़ी अंग्रेजी सीख रहे हैं। अच्छा हाँ जी क्यों अमर भाई सही कह रहा हूँ ना, वो अंग्रेजी जानबूझ के नहीं बोलते, वो जानते हैं अंग्रेजी। अमर भाई हर चीज़ को आप लोग ऐसे कहते हो कि पता नहीं, नहीं मैं नहीं जानता भाई, नहीं जानता हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवल करता है ऐसे हो नहीं सकता कि वो अंग्रेजी के अलावा और भी जुबानों की जरूरत पड़ती है। अच्छा मेरे आने से पहले क्या बात कर रहे थे आप, मैं सुन नहीं सका। ये आने से पहले जर्नल बात चल रही थी के ब्रोडों की शिकायतें ये वो, तो हमारे बाबर भाई ने कहा कि वहाँ कादियानी हैं। असल में बात यह है कि आप बात को जान जाएं, कुछ बातें होती हैं वो होती हैं पर्सनल, अगर कोई कादियानी है आप उससे वाकिफ हैं, आपको उससे कुछ उम्मीदें हैं, आप उसके साथ टच हैं, वो आपकी बड़ी इज्जत करता है, आपकी बात सुनता है, आप उससे मुतमइन हैं, तो उसके साथ रवैया कुछ बेहतर होना चाहिए या नहीं? अच्छा ये आखिरी 10 सेकंड के दोबारा अल्फाज बोल दे, मैं नहीं सुन सका। मैं ये बता रहा हूँ कि आपका कोई दोस्त है भले हिंदू है, वो आप उससे बड़े मुतमैन हैं इखलाकान, ये वो आपकी बात भी सुनता है, मुतवज्जे भी है और आपके एहतराम भी बड़ा करता है, और आप उस पर
उम्मीद भी रखते हैं, इत्माद भी करते हैं, तो उसको भी वैसे ही दावत देना चाहिए जो एक जाहल जपट है आके गालियां देता है, या उसके साथ आपका कोई बेहतर रवैया होना चाहिए? किस बात के लिए दावत देनी चाहिए? मतलब जिस तरह से दावत और तबलीग का काम किया जाता है ना, अब मिसाल के तौर पर जट, वो भी एक कादियानी है, क्या मैं उसको भी ब्रोड का अपना जो है वो बना दूं, मॉडरेटर बना दूं, जबकि टाकपासन को मैंने बनाया हुआ। आज उसकी हालत बड़ी खराब थी, मैं पता लेके आया हूं, वो अस्पताल चाहे दाखिल होया हुआ है जट। बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आप हालात से बहुत वाकिफ हैं और आप जानते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मुतमैन हैं, तो भाई उनको थोड़ा सा अगर इज्जत दे दिया और उससे उनको, वो आपकी बात भी सुनता है, आप डांट डबक करते हैं, वो अंदर की बात भी आपको शेयर करता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो ये कादियानी है, कादियानी है, उसको जो है जो भाई वो तुम्हारे लिए कादियानी है, मेरे लिए भी है, लेकिन उसके साथ मेरा जो एक रिलेशनशिप है वो आप जानते नहीं। वही वाली बात है ना कि आप अंग्रेजी काफी ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करें, ये सही कह रहे थे। ये फिर गलत बात हो गया मुझसे गलत बात हो गया। बात ये है पीरस कनी भाई कि हमारे कजन थे वो पुलिस में थे, तो हमने एक दफा पूछा कि जब आपको एसपी ऑर्डर देता है कि आगे चोर है डाकू है उस पर हमला करना है या उसको कॉर्डन ऑफ करना है, तो आपको जान का रिस्क भी वहाँ पे होता है, फायर जवाब भी आ सकता है, आपको गोली लग सकती है, तो क्या करते हैं? कहते हैं हम एहतियात करते हैं, पीछे रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा वो क्यों, यंग थे हम? तो कहते हैं भाई जब हम महकमे में भर्ती हुए थे तो हमने सुना था कि तनख्वाह उसी को मिलती है जो ज़िंदा रहता है, जो मर जाता है उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। हमारी सोसाइटी में एक रूल है कि जब तक कोई किसी की दुकान चलती रहे, वो कहते हैं ये पहुंचा हुआ पीर है, लेकिन जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाए तो कहते हैं ये जहली था, ये नौटंकी था, ढोंगी था, फ्रॉडी था। आपके ज़ाती रिलेशनशिप्स के द्वारा आपको खुद फैसला करना होता है, बहुत सारे फैसले खुद लेने होते हैं, वो फैसले अगर सही जा रहे होंगे तो कहेंगे पहुंचा हुआ पीर है, जब वो फैसले गलत होंगे, जब वो फैसलों पर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा ना, तो आपको कहा जाएगा कि भाई ये आपने मरवा दिया, ये आपने क्या कर दिया। जो फैसले आपको खुद करने हैं आप खुद ही करें, लेकिन ये जेन में रख कर करें कि अगर ये सही हुआ तो सारे मेरे दोस्त हैं, गलत हो जाएगा तो सब मेरे दुश्मन हैं, अमर नज़ीर समेत सब कहेंगे ओए 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 मरवा दिया, ओए ये क्या कर दिया, ओए वो क्या कर दिया। बस ऐसे ही होता है, आपको जो फैसला खुद करना है वो। ये हमने भी कई दफ़ा अपने ग्रुपों में मॉडरेटर इनको बनाया व्हाट्सएप पे, वो क्या होता था एडमिन बनाया करते थे व्हाट्सएप पे, यहाँ तक भी सौदा होता था कि पांच एडमिन आपके, पांच एडमिन हमारे, यहाँ पर भी ब्रॉड पे भी आते ही हमने सबसे पहले इनको मॉडरेटर बनाया कि भाई आप मॉडरेटर बने, क्योंकि हमारी कोई ख्वाहिश है नहीं किसी के साथ धक्का करने की, ज़्यादती जुल्म हम चाहते नहीं हैं, नेचुरली पहले दिन से नहीं चाहते, ये नहीं है कि आज नहीं चाहते, पहले दिन से नहीं चाहते, जब ही तो उनको बराबरी के हकूक दे के उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप एक अच्छी कोशिश या अच्छी नीयत से कोई फैसला करते हैं ना, तो आप वो करें, इधर उधर ना देखें, जो कहता है उसको कहने दें, लगा रहने दें लोगों को। लोगों में वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जब तक दुकान चलती रहती है, मेजॉरिटी जो है ना हमारी कौम की वो भेड़ चाल है, जब तक आप कामयाब होते हैं, आपकी बात अपीलिंग होती है, आपका आर्गुमेंट जो है वो अपीलिंग होता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, कहते हैं कि अच्छी आदमी अच्छी बात कर रहा है। ये अस्सलाम वालेकुम हमतला अमर भाई जान दी मान पावां ते तोड़ा मतलब है वे कि जिन्ने अली नु बिलाल नु ब्लॉक ते नहीं कीता किसी बंदे ने, अली अपनी यार रखे ना ब्लॉकिंग लिस्ट च अपना चलो चेक करके अनब्लॉक, अगर किसी ने किया तो ब्लॉक अनब्लॉक। हाँ पप्पू कुकड़ू कड़ू एक छोटा सा काम तो कर यार भाई, तलत मलक दी प्रात ते जा, उत्थे वो
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ 26 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੁਸੈਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਛੱਡੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬੱਬੂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 2 ਨੰਬਰ ਪੀਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਈ ਜਦ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਵਜ਼ਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਟੇਵਾ ਟੂਵਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਦੇ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਬਾਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਚਾਹੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯਹੂਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਬੁਰਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮੋਫਲਾਜ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਰਨ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾ ਲਤੀਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਲਾ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦਿਆਨੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਨਬੂਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਅਤੇ ਅਕਾਇਦ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਾਹਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੁਣੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਮਰਜ਼ਈ ਸਬਜ਼ ਰੱਬੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਹੁਣ ਐਮਦੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਮਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਲਕ ਸਟੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਐਮਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੂੰ ਮੈਂ ਐਮਦੀ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਮਦੀ ਰਖਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਲਕ ਜ਼ਹੂਰ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਲਕ ਮਲਕ ਕਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੇਪ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ 112 ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ 1,24,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਇਆ ਮੈਂ ਦਸਰੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਬਗੈਰ ਤੋਂ,
ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਮਲਸਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁਲਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਪ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੇਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਰੀਅਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਜ਼ੀਰੇ ਨੇ ਟੇਪ ਕੋਈ ਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਆਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਤੂ ਪੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੈ। ਯਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਤੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਤੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੰਗ ਸੱਤੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਛੜੀ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਭੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਹੈ? ਦੋ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਏ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸ ਕੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈ ਯਾਰ? ਬਹਰਹਾਲ ਅਲ ਮੁਖਸਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ, ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੁਸੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਇਲ ਹੈ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਇਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਦੋ ਅਲ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥੇ ਚ ਕਾਲਾ ਆਲਮ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਭਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਮਲੂਕੀਅਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਸ਼ਕਰਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਮਲੂਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ ਮਲੂਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਝ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਜੋ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 136 ਨਵੀਂ 70 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ ਐਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਕਾਦੇ ਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
जदों मिर्ज़ा कादियानी दे हाथ ते बैत करना पड़ा ओनू बड़ा समझाया उस बंदे ने मैं क्या तू अली वाला बन के ओ जे सवाल करना पया कि अली वाले नु की लोड़ है सवाल करे के भाई इस तरह ने सवाल करे ओ ते अली वाला एक जनरल सेंस भी होंदी ना साडी ओनू उम्र लग दी शिया सुन्नी भाबियां जो बंदी बरेलियां ना बंदा वेखदा ही ओदा एक्सरे हो जांदा है जी तानू नहीं पता लग जांदा कुछ बोल या बदबू आ जांदी है के बंदा कौन है जी जी बिल्कुल ओ देखो ना मैं क्या हुई तू अगो अली वाला ते पिछो ये चक्कर हैगा मैं क्या कश्मीरी अपना बंदा फाड़ के इनू जड़ा सजा दे दे हाथ बटे दे दे हाथ बटो ते इनू कोई और सजा दे नहीं तो जो और मैं क्या तेरा आज मैं फड़ा चलिया चलो अमीर भाई बस ये थोड़ा जा इनपुट सी थोड़ी गल दे वाले बड़ा चक्कर चलिया होया अज कल है जेड़ा ना ब्रॉड भी इतनी देर पहले ओ मैं जदों पहली बारी गया हुसैनी दी ब्रॉड ते मैं भी समझा जी को बंदा हुसैनी हैगा तो थलो में जाके पहले ऑब्जर्व करदा ने बंदे उत्ते चढ़ के जी या अली मदद मैं क्या यार ये बंदे को बोल दे आमिर भाई ए हुसैनी अंकल नु अगले दिन वो दरखानी टोपी वो कह रहे हैं कि जलसा सलाना पागलो हुसैनी कादियानी है पागलो चलियो मायो खड़ा रहे सन इन्हां नूं पता ही नहीं चलिया ओह पंप कर रहे सन दोनों पार्टियां नूं ठीक है आपकी रिकॉर्डिंग सारी की है वो कादियानी थे सारे खिलाफ तो मिलूकिया झोला पढ़ के दिया है अपनी तसल्ली करन जी साजिद साहब बोलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब मैं एक बाअदब सवाल करना चाहना तो मैं उम्मीद करता मैं सवाल भी बाअदब मिलेगा जवाब भी बाअदबी तरीके नाल मिलेगा चलो तुहाडा काम है सवाल सही करना जवाब ते अगले दी मर्जी इन्होंने कहीं दा देना हाँ जी मैं मुख्तलिफ ब्रॉड्स ते जाके सवाल किया मैं मकूल आंसर कोई नहीं दे सकिया ना कोई कादियानी दे सकिया ना कोई वहाबी ना सुन्नी मैं अपना तारुफ ये करवाना कि मैं जस्ट मुसलमान हाँ मैं तमाम जिन्हें भी फिरके ने सब की रिस्पेक्ट कर दूँ मेरा ये सवाल है कि जिहड़े कादियानी ने या शिया हजरात ने या बरेलवी या सुन्नी या वहाबी और भी काफली जिन्हें भी फिरके ने सारे दे मैनू नाम नहीं याद आते एक दूसरे नू मैं मुख्तलिफ ब्रॉड ते सुनिया ने तबलीगां ता वास्ते मैं तुहाडे कोल भी सवाल किया और भी मुख्तलिफ लेकिन मैं जवाब नहीं माकूल मिल सकया कईया ने बदतमीजी की कई ने नॉर्मल जवाब दिता तुहाडे कोलों मेरा ये जनाबे वाला सवाल है कि फर्ज करो मैनू किसी का तुहाडे दा मसलक दा नहीं पता मैं एक एग्जाम्पल दे रहा फर्ज करो तो तुहाडा वहाबी मसलक है या सुन्नी है या जो भी है तुसी अगर शिया नू तबलीग करदे हो या वहाबी नू करदे हो या सुन्नी नू मतलब डिफरेंट दूसरे मसलक नू तबलीग कर रहे हो कादियानी भी कर रहे ने शिया भी कर रहे ने वहाबी भी जिन्ने भी मुसलमाना दे फिरके ने उन्हां दा मेरे मुताबिक मैं किसी दा ऐसा इखलाक नहीं देखिया कि वह तबलीग दे काबिल उहदा इखलाक होवे उहदी गुफ्तगु तबलीग दे काबिल होवे मेरे नज़दीक मैं फिर कह रहा हाँ कि हर बंदे दा अपना तज़िया या नज़रिया मेरे नज़दीक सब तो वड्डी तबलीग तुहाडी गुफ्तगु होंदी है और तुहाडे अल्फाज़ होंदे ने उस तो वड्डी तबलीग कोई नहीं होंदी तुहाडी गुफ्तगु तो पता चलता है कि तुसी तुहाडा किरदार की हो सकता है या तुहाडी सोच की हो सकती है
हाले तक मैं जिन्नी जगह भी गुफ्तगू सुनी है उसके विच कोई ऐसी कोई किसी जगह भी ऐसी गुफ्तगू नहीं सी कि बंदा वो भैणा भरावां दे विच अपनी माँ बाप भैणा दे विच बैठ के गुफ्तगू सुन सके। बस ते ये सारे फिरके एक दूसरे नू अपने अल खिंच के की साबित करना चाहते ने, मतलब फर्ज करो सारे सुन्नी हो जाते हैं या सारे वहाबी हो जाते हैं सारे बरेलवी हो जाते हैं सारे कादियानी हो जाते हैं, तो की चेंजिंग आएगी कि इन्हां सारिया फिरकियां दे विचों किहड़ा ऐसा खास फिरका है जिहड़ा कोई बुराई नहीं कर रहा या जिहड़ा किरदार ऐसा है कि वह साबित किया जाए कि सारे इस पासे आ जाते अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। बस मेरा इन्ना सवाल है। पहले तो थोड़ा सवाल इतना लंबा सी। अमर भाई थले कोई लिख रहे ने को पूछो मिर्ज़ा साहब नु की मानदे ने। मैं मिर्ज़ा साहब नु एक इंसान नॉर्मल इंसान जेड़ा मुख्तलिफ इंसान नॉर्मल दुनिया च पैदा होंदे उहनां नु मिर्ज़ा साहब नु नॉर्मल इंसान मानदा हां। साजद साहब आम बंदा दुनिया ते पैदा होंदा और चले जांदा, कोई नबी शबी नहीं मानदा मिर्ज़ा साहब नु। हां जी साजद साहब, पहली तो गुजारिश है कि थोड़ा सवाल इन्ना लंबा सी और तमीद इन्नी बेरबत सी कि थले मैसेज भी आने लग पे सन कि अगर तमीद ऐसी होएगी तो सवाल का बंदा की जवाब देगा। लेकिन बहरहाल तुसा अपनी सलाहियत के मुताबिक कोई मसला नहीं, तुसा जो भी जिस तरह तुम अपनी सलाहियत के मुताबिक सवाल किया तो रिस्पैक्ट है। लेकिन दो एक गल्लां जिहड़ियां ने मैं चाहना कि वाजे हो जाए पता लग जाए कि तुसी सवाल किस नुक्ता नज़र नाल पे करदे हो, क्योंकि तुहाडे सवाल चलो शॉर्ट कर देना। मेरा शॉर्ट नुक्ता नज़र यह है कि जिन्ने भी मज़ाहिब जड़े फिरके जड़े ने तबलीग कर रहे ने सारे फिरके एक फिरके दे उत्ते अगर आ जाण ते उहदे किहड़े फिरके दे विच ऐसी खासियत है कि सारे वह हो जाण ते वह बख्शे जाणगे या उन्हां दे अमाल बहुत डिफरेंट ने एक दूसरे नालों या उन्होंने गुनाह एक दूसरे तो डिफरेंट ने या कोई एक ऐसा फिरका है जिहड़ा बहुत अच्छा है सारे हो जाते वो पक्के मुसलमान हो गए। मैनू तो कोई फिरका ऐसा नज़र नहीं आता। साजद साहब थोड़े सवाल का जवाब मिल जाता है, थोड़े सवाल का जवाब मिल जाता है, पर प्लीज़ जल्दी ना करो। नहीं नहीं जल्दी नहीं, मैं कह रहा तुसी क्या ना तमहीद बननी है, मैं ताँ करके तुहानू जरा शॉर्ट करके थोड़ी हमदर्दी करो तो सानू ये बयान कर दियो कि तुसी कादियानियां नू भी मुसलमानां दा ही फिरका समझदे हो। आई डोंट नो, मैं नहीं उन्होंने बारे कोई इन्ना सर्च नहीं रखता, मैंने नहीं पता मुसलमान ने कि नहीं। जे कलमा पढ़ते ने जो सेम कलमा पढ़ते ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ला इला इल्लल्लाह तो फिर तो मुसलमान ही होंगे। अगर कोई बंदा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ता हो जी मैं मुसलमान समझना। हाँ हाँ, अगर वो 1,24,000 मिसाल के तौर पर 1,24,000 नबी ने एक मिनट वास्ते फर्ज कर लिया ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1,23,999 ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਕਲਮਾ ਉਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਪੜਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਕਲਮਾ ਪੜਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਜਨਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਹੈ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਸਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 27 ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 27 ਨਬੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 28 ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੋਦੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈ। ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝਟਪਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਬੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਨੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਮਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ।
ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਾਦਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਬੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਸ਼ੀਆ, ਸੁੰਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਤੁਸਾਂ ਕਾਦਿਆਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਦਿਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਨਜ 'ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਮੀਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅਭਾਮ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੋਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਹਾਂ, ਮਸਲਨ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਹਿਲਦੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਨਮ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਤਕੀ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੋਹ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੂਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਦੋਂ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ 71 ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ 73 ਫਿਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਲਹੁਮ ਫਿਨਾਰ, ਸਾਰੇ ਅੱਗ 'ਚ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ? ਆਪਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਦਾ। ਆਪਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਮਾ ਅਨਾ ਅਲੈਹਿ ਵ ਅਸਹਾਬੀ, ਉਹ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਨਾ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ, ਨਾ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ, ਨਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲ ਦੀਸ ਦਾ ਗਰੋਹ। ਉਹ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾ ਅਨਾ ਅਲੈਹਿ ਵ ਅਸਹਾਬੀ ਉੱਤੇ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾਜੀ ਗਰੋਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਜਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਉਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਮੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਆਖਾਇਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਮ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਮ ਆਖ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੋ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਮਾ ਅਨਾ ਅਲੈਹਿ ਵ ਅਸਹਾਬੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜੇ ਬੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਟੁਰਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਡਹਿ ਪਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਜੰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਮੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੰਨਤ ਜਹਨਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤਰਕ ਤੋਂ
फीकुम अमराइन, मैं तुहाडे कोल दो चीज़ां छड़ के चलिया वा, लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुसी कदे गुमराह नहीं होवोगे अगर तुसा उन्होंने फड़ी रखिया। हेलो किताबुल्लाह व सुन्नत मुस्तकीम जिदे बारे किसे शायर ने आखे ना, राह सुन्नत पे चला जा तू सालक बेधड़क, जन्नत उल फिरदोस को जाती है सीधी ये सड़क। ए अजे सड़क बस, बाकी बंदे दे बंदे दी ड्यूटी है सड़क ते चढ़ के टुरना, ते फैसला ते रब ने करना है। जी जी आबे भाई एक सवाल है, मगर दो सवाल है जेडे दो तीन दिन तो मेरे ज़हन च आया था, ते मेरे को टाइम भी नहीं मिलया, ते तुसी भी नहीं मिल लबे हो सकदे ना यार। एक गुफ्तगू चल रही है नाथ कलाम साहब, एक गुफ्तगू चल रही है, वो पूरी होने दो फिर तुहाडा। ठीक है साथ आ बेटा। जी साजे साहब बस मेरी गल खत्म हो गई, तुसी कुछ कहना चाहते हो? बहुत शुक्रिया जनाब, अच्छी तुसी अच्छा जवाब मुनासिब दिता है। मैं हुण एक एज ए नॉन मुस्लिम तुहाडे नाल सवाल कर रहा, मैं मुसलमान होना चाहना वा, मैं किहड़े फिरके दे वेख, मैनूं किवें पता चलेगा किहड़ा फिरका जिहदा इखलाक बड़ा आला है, जिहड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नक्शे कदम ते चल रहा, जिहड़ा कुरान दे नक्शे कदम ते चल रहा? मैनूं तां कोई नहीं लगदा मेरे नज़दीक। जदों मेरी ते तुहाडी इस गल दे उत्ते एक गल तय हो गई है कि भाई ग्रोह या फिरका नहीं जॉइन करना, असूल नूं जॉइन करना, उस सड़क नूं जॉइन करना है जिहड़ी सड़क जन्नत उल फिरदौस नूं जांदी है। बस वो सड़क तो मैं ज्वाइन की थी है, मैं नबी नू भी मानना कुरान नू भी मानता, मैं किसे फिरके नहीं मानता, मैं जस्ट मुसलमान। बिल्कुल ठीक कर दे हो, बिल्कुल तुसी ठीक कर दे हो, तुसी किसे फिरके नू ज्वाइन ना करो, बल्कि वात असमु बिहब लिल्लाह जमीअम वला तफर्रकु, ओदे ते अमल हुंदा ही तां है कि तुसी फिरकियां च ना बटो जी, तुसी सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह नू फॉलो करो, फिरकियां नू ना फॉलो करो जी, ते इही जन्नत जाण वाली सड़क। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकअल्लाह टाइम देगा। यू आर वेलकम सर जी, तुसी गुफ्तगू कर सकदे हो जी। तो ना अमर भाई क्या आख्या जे, मैं कहना इन्हां कोलों कुछ पूछ लवो ना। नहीं उन्होंने कोलों मैं पूछ लिया जिन्नी को मैनूं लोड़ सी, मैं मोटी मोटी गल उन्होंने पूछ ली, तुसी की पूछनी तो पूछ लो ना। नहीं एक कहंदे ने के नबूवत दावा करदा है ओदा नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी होवे या बहाउल्लाह ईरानी होवे, इहदे नाल की फर्क पैंदा है? बिल्कुल जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई नबी नहीं आ सकता, वो आखिरी नबी सन। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਦਜਾਲ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੂਠੇ ਮਦਈਆ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ।